शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 21 जून को मनाए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के आदेश के अनुक्रम जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निर्धारित तिथि को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक कराया जाएगा। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने विकास भवन सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 100% सफल बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 21 जून को महानगर के 3 स्थलों डीडीयू उत्तर प्रदेश, गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल, वी पार्क तथा जेटी के मैदान गोरखपुर में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि क्रीड़ा संकुल में लगभग 2 से 2500 लोगों का प्रतिभाग करना है। मुख्य विकास अधिकारी ने योग दिवस की सफलता हेतु संबंधित अधिकारियों को दायित्व निर्धारित करते हुए निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं लगन तथा ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि योग दिवस के निर्धारित समय पर सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्टाफ के साथ क्रीड़ा संकुल में उपस्थित रहें। इनमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने योग स्थल पर सफाई, जलापूर्ति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे लाउडस्पीकर, माइक, मोबाइल, टॉयलेट आदि की व्यवस्था संबंधित अधिकारी समय से पूर्ण कर लें। उन्होंने यह भी बताया कि योग दिवस पर सभी अधिकारी सफ़ेद टी शर्ट तथा ग्रे कलर का ट्राउजर पहनकर आएंगे। श्री सिंह ने बताया कि योग दिवस सभी तहसील ब्लॉक मुख्यालयों पर भी आयोजित होगा। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने समस्त सम्मानित जनता से अपील किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे योग शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें एवं योग एवं आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य एवं निरोगी जीवन शैली प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष की तरह इस बार भी हम योगा दिवस काफ़ी बृहद रूप से यहाँ गोरखपुर में मनाएंगे। जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसा कि आप सभी को पता है कि गोरखनाथ मंदिर में भी हो रहा है, इसके साथ साथ हमारे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के क्रीड़ा संकुल ग्राउंड पे भी इसका आयोजन बृहद रूप से किया जाएगा। इसी के साथ साथ वी पार्क और अन्य जो महत्वपूर्ण पार्क हैं शहर के, वहाँ पर और जेटी पर भी हम इस कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे। ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये मुख्यालय पर होंगे। इसके साथ साथ ब्लॉक स्तर पे भी हर एक ब्लॉक में भी इसका आयोजन होगा और साथ ही साथ तहसील स्तर पे तहसीलों में भी इसका आयोजन कराया। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है उसके लिए अधिकारी के बीच में जिम्मेदारियों का आवंटन किया गया है। कुछ जो हमारे अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी क्रीड़ा संकुल में हो रही जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए दी गई है। जो आने वाले लोग हैं उनके लिए उचित वहां पे बैठने के लिए दरिया रहें, बैठने का स्थान हो उसके लिए जगह दिया गया है। प्लस वहां पे मंच पे जो हमारे योगा के इंस्ट्रक्टर रहेंगे और उनके साथ साथ उनके सहयोग में उनके साथ 10-15 लोग योगा के दिशा निर्देश जो वहाँ उपस्थित लोग हैं उनको देंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं जिले जनपद स्तर सभी के बीच में जिम्मेदारी का भी आवंटन किया गया जिससे कि सफल आयोजन हो।